हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू DBMS। DBMS मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आज इसमें हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेस, इंट्रोडक्शन टू DBMS, RDBMS, एडवांटेज ऑफ यूजिंग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, टाइप्स ऑफ स्टोरेज ऑफ डेटा इन डेटाबेस, टू अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज एक्सेट्रा। लेकिन इसका जो फर्स्ट पार्ट है, मतलब कि फर्स्ट लेसन बेसिक्स ऑफ IT, ये आपको पढ़ाई बटन में दिया है। तो इसमें स्टार्टिंग करेंगे इंट्रोडक्शन से। डेटाबेस वो चीज़ें जो हर लोग यूज़ करते हैं। आपके फ़ोन में जो डायरेक्टरी रहती है, डायरी, फ़ोन डायरी बोलते हैं उसको, उसके अंदर सारे नेम, उसका नंबर, ईमेल, एड्रेस एक्सेट्रा, ये सब भी डेटाबेस है। डॉक्टर मेडिकल हिस्ट्री रखता है पेशेंट की, लाइब्रेरी बुक की डिटेल रखता है, इशू डेट और रिटर्न डेट एक्सेट्रा, ये सब मेंटेन करते हैं लाइब्रेरियन। टीचर स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर, मार्क्स, ये सब रिकॉर्ड करते हैं डेटाबेस में। कंप्यूटर में जो डेटाबेस रखा जाता है वो ईजी रहता है, यूज़फुल रहता है, एकदम ईजीली आप क्लासीफाई कर सकते हैं कितने मार्क्स क्या है, किसका करने का है, आपको ईजीली ढूंढ सकते हैं कौन से स्टूडेंट के मार्क्स इधर है एक्सेट्रा, ये सब ईजी पड़ेगा कंप्यूटर में। एज़ कम्पेयर टू अगर आप बुक में लिखेंगे तो ये सब बहुत मुश्किल पड़ेगा आपको ढूंढने में। डेफिनेशन ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस एक कलेक्शन है इंटर रिलेटेड डेटा का, जो हेल्प करता है एफिशिएंट रिट्रीवल, इंसर्टिंग और डिलीटिंग ऑफ डेटा। अभी इन एग्जाम में अपने जो मार्क्स अपने रहते हैं स्टूडेंट के, वो डेटा है। एक सब्जेक्ट के मार्क्स वो डेटा है, और बहुत पूरे सब सब्जेक्ट के मार्क्स मिला के जो है परसेंट आते हैं, वो इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए यूज़फुल है। डेटा वर्सेस इन्फॉर्मेशन, इसके बारे में मैं पहले लेक्चर में भी बात कर चुका हूँ। डेटा और इन्फॉर्मेशन अलग अलग होते हैं। डेटा एक रॉ फैक्ट है, और इन्फॉर्मेशन उसको प्रोसेस करके जो बनाया जाता है, डाटा को प्रोसेस करके, वो इन्फॉर्मेशन है। डेटा जो रहता है वो हेल्प नहीं करता डिसीजन मेकिंग में, लेकिन इन्फॉर्मेशन डिसीजन लेने में मदद करता है। डेटा रिलेवेंट भी हो सकता है और इरेलेवेंट भी हो सकता है, लेकिन इन्फॉर्मेशन डाटा से ही बना जाता है। डाटा को एकदम सिंप्लीफाई करके, एकदम प्रोसेस करके, एकदम परफेक्ट मैनर में लगाया जाएगा, सिस्टमेटिक लगाया जाएगा, वो इन्फॉर्मेशन बन जाएगा। डेटा का एग्जांपल ले सकते हैं एक स्टूडेंट के मार्क्स, और इन्फॉर्मेशन पूरे क्लास का एवरेज मार्क्स। इंट्रोडक्शन टू DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। डेटाबेस एक कलेक्शन है इंटरलेटेड डेटा का, वो कंप्यूटर में जो स्टोर किया जाता है और उसको मैनेज किया जाता है कंप्यूटर में ही, उसको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलेगा। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो क्रिएट और मैनेज करता है डेटाबेस को। डेटाबेस यूज़र को प्रोग्राम्स और सिस्टमेटिक वे में क्रिएट करने का जरिया है। डेटाबेस प्रोवाइड यूज़र एंड प्रोग्राम विद अ सिस्टमेटिक वे टू क्रिएट, रिट्रीव, अपडेट एंड मैनेज द डेटा। जो डेटाबेस मैनेजमेंट स्टोर करता है डेटा को, और उसको ईजी करता है रिट्रीव और मैनिपुलेट करने के लिए, और उसको अपडेट भी कर सकते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन। इसके एग्जाम्पल है MySQL, PostgreSQL, Access, Oracle, SQL, IBM, DB2, Sybase एक्सेट्रा। कुछ एप्लीकेशन देखेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट में। रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, ट्रेन लेट है नहीं है, ट्रेन बराबर आ रही है कि नहीं, सारा का सारा डेटा, आपके कितनी टिकट बुक है, कितनी सीट खाली है, ये सब भी रिजर्वेशन में आएगा। रेलवे रिजर्वेशन का जो डेटा रहता है वो यूज रहता है, तो इसके लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है उनको। सेम वे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, लाइब्रेरी में भी बहुत सारी बुक रहती है, सब याद करना ज़रूरी नहीं है, सब याद नहीं हो सकता किसी से, तो ये सब कंप्यूटर में स्टोर किया रहता है। वही डेटाबेस को मैनेज करके आप ढूंढ सकते हैं कौन सी बुक इशू हुई है, कभी हुई है, कौन सी रिटर्न आई है, कभी आएगी, ये सब आप मालूम कर सकते हैं। ये इसमें भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ होगा। बैंकिंग के में कितने ट्रांजेक्शन हुए डेली, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ये सब डेटाबेस बनाया जाता है, उसको मैनेज किया जाता है, इसके में भी यूज़ होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज में आपका नाम, कितने क्लास है, कौन सी क्लास में कौन है, कितने बच्चे हैं एक्सेट्रा, ये सब भी डेटाबेस रहता है, उसको भी मैनेज करने जरूरत रहता है, तो ये भी मैनेज करने की ज़रूरत पड़ती है। क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन, आपका जो बिल आता है क्रेडिट कार्ड का, वो मंथ एंड पे आता है, तो सारी हिस्ट्री आपको मेंटेन करनी पड़ती है। क्रेडिट कार्ड वाले जो देते हैं उनको मेंटेन करनी पड़ती है, इतना ट्रांजेक्शन ये डेट पे हुआ एक्सेट्रा, ये सब भी डेटाबेस होता है, उसको भी मैनेज करके फिर आपको लास्ट में बिल भेजा देता है। फिर सोशल मीडिया साइट, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट, जो भी अकाउंट है आपके, व्हाट्सएप अकाउंट, जितने अकाउंट है उसको भी मैनेज करने की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद पढ़ेंगे एडवांटेज, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के एडवांटेज। डेटा रिडंडेंसी, जो रिकरिंग होता है, रिपीट होता है डेटा, उसका डेटा रिडंडेंसी बोलते हैं। तो रिपीट नहीं होगा तो डेटा रेड्यूस हो जाएगा, और रेड्यूस हो जाएगा तो कम स्टोरेज में आप ज़्यादा डेटा भर सकते हो। शेयरिंग ऑफ डेटा, आपके पास कोई मूवी है, आप तुरंत किसी को और उसको शेयर कर सकते हो, ये इजी हो जाता है शेयर करने में। डेटा इंटीग्रिटी, एकदम एक्यूरेट डेटा रहता है, आप अभी किसी के मार्क्स है तो उसका परसेंट एकदम एक्यूरेट रहेगा, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं रहेगा परसेंट। डेटा सिक्योरिटी, आपका बैंक का अकाउंट है, आप खाली आप ही ऑथराइज हो कि आपके अकाउंट को आप ही खोल सकते हो, आप किसी और के अकाउंट को नहीं खोल सकते, यानी कि सिर्फ ऑथराइज यूज़र ही एक्सेस कर सकते हैं वो अकाउंट। प्राइवेसी, इधर भी सेम, ऑथराइज यूज़र ही सिर्फ एक्सेस कर सकते हैं वो अकाउंट। बैकअप एंड रिकवरी, ऑटोमेटिक बैकअप रहता है, व्हाट्सएप के जो चैट रहते हैं वो ऑटोमेटिक बैकअप होते हैं अपने फ़ोन में या इंटरनेट पे या गूगल ड्राइव पे,
और ये ऑटोमेटिक बैकअप हो जाएगा। और अभी गलती से डिलीट हो गया तो आप वापस से इंस्टॉल करोगे तो वो ऑटोमेटिकली बैकअप होकर आपके पास सारे चैट वापस आ जाएंगे। डेवलप एंड मेंटेनेंस टाइम ये सब रेड्यूस हो गया है, मेंटेन नहीं करना पड़ता सारे डेटा को, बार बार से लिखना नहीं पड़ता है, सारा डेवलप नहीं करना पड़ता वापस से, ये सब रेड्यूस हो गया। डेटा टाइप्स इन डीबीएमएस में डेटा के कुछ अलग अलग टाइप रहते हैं। अब MySQL में लिखोगे तो टाइप के हिसाब से लिखोगे, जैसे नेम टेक्स्ट, टेक्स्ट लिखोगे नेम के आगे तो आपका सिर्फ उस टेक्स्ट में आएगा नेम, नंबर में नहीं आएगा नेम, वो सब आपको सीखना पड़ेगा MySQL में। तो अभी हम लोग पढ़ते हैं कुछ टाइप्स। टेक्स्ट के अंदर दो टाइप आते हैं डेटा के, कैर और वैर कैर। कैर और वैर कैर मतलब सेम होता है, लेकिन कैर में एक फिक्स लेंथ होती है और वैर कैर में एक्सटेंड हो जाएगा तो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। न्यूमेरिक, न्यूमेरिक में भी दो है, डेसिमल इंटीजर। डेसिमल मतलब जो डॉट के साथ नंबर आते हैं, इंटीजर जो सिर्फ नंबर रहते हैं 1, 2, 3, और डेसिमल 1.1, 1.2 या डेसिमल। डेट, डेट भी आप मेंशन कर सकते हो सारे डेटा में। और टाइम, टाइम का फॉर्मेट रहता है हावर, मिनट और सेकेंड, जैसे कि इधर दिया हुआ है तो उस फॉर्मेट में आपका टाइम भी दिखा सकते हैं। कैर और कैरेक्टर एक फिक्स लेंथ रहती है, उसमें सिर्फ 255 कैरेक्टर ही स्टोर हो सकते हैं, उससे अब आप आगे लिख ही नहीं सकते। लेकिन वेयर कैर में आप उसके आगे लिखोगे तो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर 255 वर्ड हो गए, 255 स्पेलिंग हो गई तो आपके उसके बाद वो टेक्स्ट टाइप में चला जाएगा। जैसे कि वेयर कैर 50, अगर 50 है तो 50 वर्ड्स लिख दिया, अगर उसके आगे बढ़ गए तो वो टेक्स्ट में चला जाएगा। टेक्स्ट में 65,535 कैरेक्टर आ सकते हैं, इतना आप ABCD इतना सिर्फ लिख सकते हैं। जैसे कि एड्रेस, एड्रेस लंबा रहता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए रहता है, बहुत ज़्यादा बड़ा लिखना पड़ता है, वो टेक्स्ट के अंदर आ सकता है। डेटा मॉडल, डेटाबेस में कुछ मॉडल रहते हैं जो सर्टन रूल रहते हैं उसको मॉडल बोला जाता है। लॉजिकल स्ट्रक्चर में जो एकदम प्रॉपरली फॉर्मेट में बनाया जाता है वो डेटा मॉडल रहता है, उसको मॉडल बोला जाता है। डेटा मॉडल को ऐसे भी बोल सकते हैं दो डेटा को, डेटाबेस को कनेक्ट करना एक दूसरे से। इसमें अलग अलग टाइप है, नेटवर्क मॉडल, हेरिचरल मॉडल, रिलेशनल मॉडल एक्सेट्रा। तो अभी हम लोग देखेंगे रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल मतलब दो डेटा को एक साथ कनेक्ट करना, रिलेशनल एकदम कनेक्ट करके रखना। अभी इसको आप ऐसे बोल सकते हैं आपने कोई डेटाबेस बनाया उसको चेंज किया या डिलीट कर दिया, उसका कोई टेबल डिलीट कर दिया, ये इंपॉर्टेंट है ये कंट्रोल किया जाए वो सारा डेटाबेस को, एकदम एक्यूरेट हो वो डेटा एक्सेट्रा, ये सब आपको रिलेशनल मॉडल में आएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन की कुछ प्रॉपर्टी रहती है, ऑटोमेसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। ऑटोमेसिटी मतलब सारे ट्रांजेक्शन को हैंडल करेगा या तो कोई भी ट्रांजेक्शन को हैंडल नहीं करेगा। कंसिस्टेंसी मतलब एकदम कॉन्स्टेंट रहेगा डेटा, अभी ट्रांजेक्शन आपने किया डेटा को, एक डेटा को दूसरे डेटा में कन्वर्ट कर दिया तो एकदम सेम रहेगा, कुछ भी अलग नहीं होगा, कंसिस्टेंसी होता है। आइसोलेशन एकदम इंडिपेंडेंटली ऑपरेट होता है, किसी पे डिपेंडेंस नहीं रहता है। ड्यूरेबिलिटी रिजल्ट जो रहता है वो एकदम करेक्ट रहता है और कभी चेंज नहीं होता, अगर जब तक आप चेंज नहीं करते। डेटाबेस आपने चेंज नहीं किया मतलब वो हमेशा के लिए वैसा ही रहेगा, आपने चेंज कर दिया और सिस्टम अगर फेल हो गया तो लेकिन वो डेटा एकदम करेक्ट वही रहेगा, कुछ चेंज नहीं हो जाएगा, आपको बैकअप लेंगे फिर भी वही रहेगा डेटा सेम टू सेम। अभी हम पढ़ेंगे RDBMS, इंट्रोडक्शन टू रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मतलब कि इंटर रिलेट करना, एक दूसरे से कनेक्ट करना। इधर हम देखेंगे ये जो स्टूडेंट है, एक डेटाबेस है उसका नाम दे दिया हम लोग ने स्टूडेंट। स्टूडेंट के अंदर बहुत सारे टेबल है, अलग अलग स्टूडेंट ने अलग अलग करियर लिया है, अलग अलग कोर्स लिया हुआ है, तो इसमें से एक कोर्स है कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में अब जो MySQL में लिखे गए तो जो कॉलम रहते हैं ना उसको फील्ड लिखते हैं या तो एट्रीब्यूट्स लिखते हैं, और जो रो रहते हैं उसको रिकॉर्ड या तो ट्यूपल लिखे गए। प्राइमरी की और फॉरेन की क्या होता है, ये जो प्राइमरी की रहती है वो सब में रहती है, फॉरेन की मतलब जो रेफरेंस लेती है। प्राइमरी की है उसको एकदम परफेक्ट उसमें सब कुछ दिया हुआ है, नेम, कोर्स, एड्रेस, रोल नंबर एक्सेट्रा, प्राइमरी में सब दिया हुआ है। और जो रेफरेंस की है मतलब फॉरेन की, जो वो प्राइमरी की से रेफरेंस लेगी। अभी इधर स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट आईडी हर बार सबका अलग अलग रहेगा, 1401 2109 1909 1403 1405, ये सब बार हर बार अलग अलग रहेगा, यानी कि प्राइमरी की कभी भी रिपीट नहीं होगी। और फॉरेन की उससे रेफरेंस लेगी। अभी इधर स्टूडेंट की आईडी है 1401 और उसके सिर्फ मार्क्स की है 79, तो ये भी फॉरेन की है। फॉरेन की मतलब ये जो इधर से सब डेटा लेगी प्राइमरी की से, फॉरेन की हमेशा रेफरेंस लेती है प्राइमरी की से। इधर 1401 है उसके 79 मार्क्स है, 1401 है कौन, इधर प्राइमरी की में बताया 1401 आर्या है, उसने जावा का कोर्स लिया हुआ है तो उसको जावा के कोर्स में 79 मार्क्स आए। सिमिलरली अभी इधर आर्या नाम, अगर आर्या रहता है प्राइमरी की, लेकिन आर्या तो दो है तो मालूम कैसे पड़ेगा कि कौन है आर्या, कौन से आर्या को 79 मार्क्स मिले, तो इसके लिए प्राइमरी की आईडी हुआ वो हमेशा अलग अलग रहेगी। प्राइमरी की अभी जैसे इधर 2109 है,
2109 को 85 मार्क्स मिले। 2109 ये ब्रैन है, उसने पाइथन लिया हुआ है, तो 2109 ये फॉरेन की है, इसे रेफरेंस लिया प्राइमरी की से और उसका नाम बता दिया और उसका कोर्स भी बता दिया। सिमिलरली 109 उसको 83 मार्क्स मिले। अभी 83 मार्क्स किसको मिले, तो इधर आर्या लिखा हुआ है, अभी आर्या तो दूसरा भी था, तो दूसरे वाले आर्या या ये वाले आर्या को, तो आर्या अगर प्राइमरी की रहता तो मालूम नहीं पड़ता कि क्या है। तो स्टूडेंट आईडी इधर से प्राइमरी की से रेफरेंस लिया, इधर ये वाले आईडी ने इधर से रेफरेंस लिया। सिमिलरली 1405 उसको 85 मार्क्स है, किसमें, पाइथन में। कैसे मालूम पड़ा, 1403 कांस्टेंट है, हमेशा सेम है, सब जगह पे सेम लिखा हुआ है। इसके लिए ये फॉरेन की है और ये फॉरेन की है और ये प्राइमरी की है। प्राइमरी की हमेशा रिपीट नहीं होती, कभी भी रिपीट नहीं होती, और फॉरेन की रेफरेंस लेती है प्राइमरी की हमेशा। इसके बाद हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप इन डेटाबेस। रिलेशनशिप इन डेटाबेस मतलब कि कनेक्ट करना एक डेटा को दूसरे डेटा से। अभी एम्प्लॉय की आईडी है, एम्प्लॉय की डिटेल है और उसमें एम्प्लॉय का पासपोर्ट की डिटेल्स भी है। अभी मालूम कैसे पड़ेगा, एम्प्लॉय आईडी हमेशा अलग रहेगी, एम्प्लॉय की डिटेल सेम हो सकती है, जैसे कि उनका नाम सेम हो सकता है, एज सेम हो सकती है, लेकिन एम्प्लॉय आईडी हमेशा अलग रहेगी। 1 से चलोगे तो 10 तक रहेंगी, तो 10 हमेशा सबको अलग अलग नंबर अलग रहेंगे, सब यूनिकली रहेगा, यूनिकली आइडेंटिफाई रहेंगे। जैसे सबका मोबाइल नंबर रहता है हमेशा अलग अलग रहता है, किसी का सेम नहीं होता है मोबाइल नंबर, इसलिए हम लोग यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने प्राइमरी की और फॉरेन की बताया, प्राइमरी की हमेशा अलग रहती है, फॉरेन की हमेशा रेफरेंस लेती है प्राइमरी की से। इसमें तीन टाइप है, 1-to-1 रिलेशनशिप, 1-to-many रिलेशनशिप और 1-to-1 रिलेशनशिप और 1-to-many रिलेशनशिप। तो हम लोग पढ़ेंगे 1-to-1। इधर 1-to-1 में ये पी के पर्सन आईडी प्राइमरी की है और यहाँ पे ये फॉरेन की है। अभी ये पी के पासपोर्ट आईडी कौन है क्या मालूम हम लोग को, इधर पासपोर्ट नंबर दिया हुआ है और एफ के पर्सन आईडी दिया हुआ है। इधर पी के पर्सन कौन है, कंपनी का ये है, तो पी के पर्सन इधर मालूम है नाम दिया हुआ रहेगा, उनका ईमेल आईडी दिया रहेगा और बाकी सब डिटेल दिया रहेगा। तो पी के पर्सन समझो ए है, तो उनका मालूम पड़ेगा कि ए है। इधर ये फॉरेन की, ये फॉरेन की जैसा यूज़ होगा और यहाँ पे प्राइमरी की यूज़ होगा, पी के पर्सन आईडी। 1-to-1 पर्सन में दो कॉलम बनाए गए, पर्सन की डिटेल और पासपोर्ट की डिटेल, उसमें सिमिलर रहेगा सिर्फ उनका नेम और बाकी सब डिफरेंट रहेगा, अलग रहेगा, इसके लिए उसको 1-to-1 बोला जाता है। 1-to-many, 1-to-many मतलब कि एक में बहुत सारे लोग हैं। अब जैसे कि इधर सिटी का एग्जांपल दिया हुआ है, सिटी मतलब एक सिटी में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, लेकिन एक पर्सन बहुत सारे सिटी में नहीं रह सकता, उसका पॉसिबल ही नहीं है, इसका ही मतलब 1-to-many होता है, एक सिटी बहुत सारे लोग, या फिर अगर उसका उल्टा करेंगे बहुत सारे लोग एक सिटी में रह रहे हैं, यही 1-to-many और 1-to-1 होता है। अभी हम लोग पढ़ गए 1-to-many, 1-to-many मतलब बहुत सारे से बहुत सारे लोग तक। अभी समझो इधर बहुत सारे प्रोडक्ट है और इधर बहुत सारे सप्लायर, इधर सारे प्रोडक्ट की, इधर सारी प्रोडक्ट की डिटेल और यहाँ पे सारे सप्लायर की डिटेल। अभी ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट कौन से सप्लायर ने दिया, तो इसके लिए एक और एक बन जाएगा कॉलम, उसमें सब डिटेल लिखा रहेगा कौन सा प्रोडक्ट कौन से सप्लायर ने दिया हुआ है, यहाँ पे सप्लायर कौन सा है सब मालूम पड़ जाएगा। तो इसके लिए ये मैनी टू मैनी कंबाइन करके एक टेबल बना दिया। अभी इधर सारे प्रोडक्ट की आईडी इधर आ जाएगी और सप्लायर की आईडी इधर पर आ जाएगी, तो ये मालूम पड़ जाएगा कौन सा प्रोडक्ट कौन सप्लाई कर रहा है इधर पे। ये समझो ये प्रोडक्ट है और ये सप्लायर है। अभी समझो प्रोडक्ट ए सप्लायर सी ने इधर भेजा है, तो ये पता चलेगा एक दूसरे टेबल से। मैनी टू मैनी मतलब बहुत सारे सप्लायर प्रोडक्ट को बहुत सारे सप्लायर भेजते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे SQL, SQL मतलब स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। अभी हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू SQL, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज एक कंप्यूटर की लैंग्वेज है जो यूज़ होती है मैनिपुलेशन और रिट्राइविंग डाटा को। ये एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है ऑफ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, RDBM का। ये यूज़ होते हैं MySQL बेस और एकल फाइबेस इन्फॉर्मिक्स पोस्टग्रेस एंड SQL सर्वर में। इधर SQL में हम लोग यूज़ करके क्या क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं डेटाबेस को, डेटाबेस में टेबल जो रहता है वो इंसर्ट कर सकते हैं, रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं, सारे रिट्रीव कर सकते हैं डेटा को, अपडेट कर सकते हैं रिकॉर्ड को, जो डेटा बना है उसको अपडेट कर सकते हैं, उसको डिलीट भी कर सकते हैं पूरा डेटा को, सब एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं डेटाबेस को, स्टोर डेटा को क्रिएट भी कर सकते वापस से, और सारे क्रिएट को व्यू कर सकते देख सकते जो भी क्रिएट किया हुआ है अपन ने वो सब देख भी सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ये कमांड को बोला जाता है, इसमें बहुत सारे कमांड रहते हैं, जैसे कि ये क्रिएट ड्रॉप अल्टर। अभी बुक में तो ये तीन ही दिया हुआ है, क्रिएट ड्रॉप और अल्टर, ये सब अलग है, ट्रंकेट कमेंट रीनेम ये सब अलग है, लेकिन इसमें सारे ये सब आते हैं। क्रिएट मतलब कि क्रिएट करना, ड्रॉप मतलब डिलीट करना, अल्टर मतलब चेंज करना, ट्रंकेट मतलब रिमूव करना डिलीट कर देना, कमेंट मतलब उसका कुछ कमेंट डालना, रीनेम मतलब उसको वापस से रीनेम करना, ये सब DDL के कमांड्स हैं। अभी DCL डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज के एग्जांपल है ग्रांट और रिवोक, मतलब एक्सेप्ट करना या फिर डिलीट करना। अभी TCL
टीसर अपने बुक में दिया ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, ये डील करता है सारे ट्रांजेक्शन में जो डेटाबेस में है। इसमें कमांड आता है कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट, सी ट्रांजेक्शन। कमिट मतलब ट्रांजेक्शन को जो कमिट करना, रोल बैक मतलब वापस से रिवाइंड करना कुछ एरर हो गए तो, सेव पॉइंट मतलब सेव कर देना, सेट ट्रांजेक्शन मतलब स्पेसिफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स को ट्रांजेक्शन करना। इसके बाद है DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इसमें कमांड है इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। इंसर्ट मतलब डालना कुछ भी, इंसर्ट करना डेटा में, टेबल इंसर्ट करना, और फिर अपडेट मतलब उसको अपडेट करते रहना, और डिलीट मतलब डिलीट कर देना टेबल को या फिर डेटाबेस।